हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं स्ट्रिंग बेंडर और टीम कॉर्ड्स आपके लिए लेकर आई है गिटार स्ट्रमिंग सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा गिटार स्ट्रमिंग के ढेर सारे नुस्खे और फंडे राइट फ्रॉम द बेसिक्स। गिटार प्ले करना सबका एक हिडन ड्रीम होता है। जब भी आप किसी को गिटार प्ले करते वक्त देखते हैं तो आपका भी मन होता है कि गिटार सीख लेता हूँ, लेकिन लाइफ की इस भागदौड़ में आप टाइम नहीं निकाल पाते। मैंने गिटार प्ले करना शुरू किया 2014 में। एक दिन मैं अपनी सीए की इंटर्नशिप से घर पे लौट रहा था तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये जॉब बहुत हो गया, मैं और नहीं कर पाऊंगा, कुछ डिफरेंट करते हैं जिससे मैं कुछ पीस ऑफ माइंड पा सकूं। तो मैंने सोचा कि चलो गिटार सीख लेते हैं। तो मैं घर लौटा और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे गिटार खरीदनी है, और मम्मी ने तुरंत हाँ बोल दिया। दैट वॉज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग कि वाह, मम्मी ने एकदम मन की बात पढ़ ली कि अभी सीखना है मतलब सीखना ही है। और वहीं से मेरी गिटार प्लेइंग की जर्नी शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि चलो एक रिलैक्सेशन के लिए गिटार प्ले कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं गिटार प्ले करते गया मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और आज सीए एकदम दूर पीछे कहीं रह गया है और मैं एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया हूँ। सो आप भी अपने अंदर दबे हुए उस छोटे से ड्रीम को बाहर लेकर आइए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको गिटार स्ट्रमिंग एकदम ईजी करके समझाने वाला हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में है मेरी सबसे फेवरेट गिटार एपिफोन स्पेशल 2/AFD वर्जन, और उस पर लगा है एक छोटा सा प्यारा सा लेकिन बहुत ही काम का डिवाइस जिसका नाम है कॉर्ड्स, द इजी गिटार प्लेइंग गैजेट। कॉर्ड्स आपके फ्रेटबोर्ड पे एकदम इजीली इंस्टॉल हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गिटार हो या अकोस्टिक गिटार हो, और आप गिटार इंस्टेंटली प्ले करना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रमिंग के बारे में जनरली सबका ये मिसकंसेप्शन होता है कि आप अपना राइट हैंड कैसे भी मूव करें तो बस स्ट्रमिंग अपने आप हो जाएगी, विच इज क्लियरली नॉट द केस। मेरी एक फ्रेंड एक बार मेरे घर पे आई थी और उस वक्त मैं गिटार प्ले कर रहा था, तो उसका भी मन हुआ कि भाई गिटार प्ले करते हैं, तो उसने मुझसे मेरी गिटार मांग ली और प्ले करना शुरू किया, और उसने प्ले किया कुछ ऐसे। अब ऐसी मिस्टेक्स अक्सर इसलिए होती है क्योंकि आप जब भी किसी को कैजुअली गिटार प्ले करते वक्त देखते हैं तो आप उनकी स्ट्रमिंग टेक्निक पे इतना ध्यान नहीं देते, आप बस सॉन्ग एंजॉय करते हैं, आप वो फील एंजॉय करते हैं, लेकिन स्ट्रमिंग टेक्निक पे उतना फोकस नहीं करते, इसलिए आप ग्रास्प नहीं कर पाते कि राइट हैंड की मूवमेंट कैसे हो रही है। आपको लगता है कि चलो राइट हैंड मूव कर लिया, स्ट्रमिंग हो गई। तो इस सीजन में हम लोग डाउन स्ट्रोक पर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेसिक से स्ट्रमिंग सिखाई जाए, ताकि आपकी राइट हैंड की जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए और आप स्ट्रमिंग बेटर कर पाए। आपको शायद याद होगा कि स्कूल में जब भी पेन की इंक खत्म होती थी तो हम पेन को इस तरह से शेक करते थे कि थोड़ी थोड़ी इंक अगर बची होगी तो यूज कर लेंगे। सेम मूवमेंट जो है वो गिटार में भी अप्लाई कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप गिटार प्ले कर रहे हैं, आपका हाथ गिटार के पास में है और आप पेन शेक कर रहे हैं, तो नोटिस कीजिए कि जिस तरह से मैं पेन शेक कर रहा हूं बस मेरी रिस्ट मूव हो रही है, मेरा पूरा आर्म नहीं मूव हो रहा। इस तरह से तो हम पेन शेक नहीं करते, हम सिर्फ रिस्ट से मूव करते हैं। तो गिटार में भी सेम लॉजिक है। गिटार में देखो मेरा आर्म जो है वो लॉक हो चुका है जब मैं इसको रेस्ट करता हूं यहाँ पे, और बस मेरी रिस्ट मूव हो रही है। फर्क इतना है कि पेन की जगह पे मैं प्लेक्ट्रम यूज करूंगा और गिटार प्ले करूंगा। तो अभी अगर आपके पास पेन है तो पेन उठाइए और ये प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि हमें सबसे पहले स्ट्रमिंग का मोशन सही करना है। आपने जिम में कभी नोटिस किया होगा कि जिम ट्रेनर ने आपसे कहा होगा कि पहले अपने फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसके बाद आप वेट्स और स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो तो आराम से बाद में बढ़ ही जाएगा। सेम थिंग अप्लाइज टू गिटार, कि आप पहले अपने स्ट्रमिंग मोशन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपकी स्ट्रमिंग की स्पीड एक्यूरेसी वो बढ़ती रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ वो अपने आप बढ़ती रहेगी। और आज की हमारी पहली स्ट्रमिंग एक्सरसाइज DXXX, D for down and X for blank। तो जहां पे X दिखाई देगा वहां पे आपको प्ले नहीं करना है, जहां पे D दिखाई देगा वहां पे आपको प्ले करना है डाउन स्ट्रम। डाउन X X X, डाउन X X X, डाउन X X X, डाउन X X X, 1 2 3 4, 1 2 3 4, down x x x, down x x x। पहला स्ट्रमिंग पैटर्न एकदम इजी।
इससे आपको डाउन स्ट्रम की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी स्ट्रमिंग एक्सरसाइज एक्स डी एक्स एक्स, और इसे प्ले करते हैं कुछ इस तरह से, एक्स डी एक्स 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 डी एक्स 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 डी एक्स 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 डी एक्स एक्स। अब इस स्ट्रमिंग पैटर्न में आपको बीट्स काउंट करने की आदत हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे लोग जब कैरियोके पे कोई सॉन्ग गाते हैं तो उनसे अक्सर टाइमिंग छूट जाती है, या तो वो लिरिक्स के बाद गाना शुरू करते हैं या लिरिक्स से पहले। और ये इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी को गाते वक्त सुनते हैं या आप कोई मूवी का गाना सुनते हैं तो आपको टाइमिंग रखने की आदत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गाना सुनिए, पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार। इसमें आपने नोटिस किया कि लिरिक्स खत्म होने के बाद में हल्का सा पॉज था। ये जो पॉज है ये है टाइमिंग, और ये है बीट्स जो हम यूजुअली काउंट करते हैं प्ले करते वक्त या गाते वक्त, लेकिन आमतौर पर ये सबको पता नहीं होता। सो इस पैटर्न में देखिए कि आपको डाउन स्ट्रम करने से पहले वन काउंट करना है और सेकेंड बीट पे आपको डाउन स्ट्रम करना है कुछ इस तरह से, वन डाउन थ्री फोर, वन डाउन थ्री फोर, वन डाउन थ्री फोर, एक्स डाउन एक्स एक्स, एक्स डाउन एक्स एक्स, एक्स बी एक्स एक्स। और आपके टाइमिंग की सेंस इंप्रूव करने के लिए ये एक और स्ट्रमिंग पैटर्न जो है हमारा थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न, एक्स एक्स डी एक्स 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 डी एक्स 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 डी एक्स 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 डी एक्स, वन टू थ्री फोर एक्स एक्स डी एक्स। ये पैटर्न आप जितना बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके माइंड में ये रजिस्टर हो जाएंगे। शुरुआत में आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड में बीट्स काउंट करना शुरू कर देंगे। सो आपकी टाइमिंग और भी इंप्रूव करने के लिए ये एक छोटा सा एक और स्ट्रमिंग पैटर्न, एक्स 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 डी एक्स 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 डाउ एक्स 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 डाउ एक्स 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 डाउ। सो उम्मीद है कि आपको टाइमिंग के बारे में एक फेयर आइडिया तो आई होगी। मैंने जब गिटार सीखना शुरू किया और जब मुझे टाइमिंग का कंसेप्ट सिखाया गया तब मुझे नॉस्टैल्जिया हुआ कि एक मिनट ये मैं कहीं पे देख चुका हूँ। मुझे एक किस्सा याद आया जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसके डांस क्लास में गया था, तब डांस टीचर प्रॉम्प्ट कर रही थी ता थई थई तट। अब उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा बोल रही है, कौन से लैंग्वेज में बोल रही है, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ गया कि जब तक वो ता से लेकर तट तक पहुंच रही थी तब तक एक डांस सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा था। म्यूजिक में जब एक सीक्वेंस कंप्लीट होता है तो उसे कहते हैं बा। सो वन टू थ्री फोर, ये चार बीट्स मिलाकर एक बार बन जाता है। उसके बाद फिर से वन टू थ्री फोर, दूसरा बार कंप्लीट हो गया। ऐसा समझिए कि एक सॉन्ग जो है वो एक बिल्डिंग की तरह है। बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, तो एक एक ईंट जोड़कर जब आप बिल्डिंग बनाते हैं उसी तरह से एक एक बार जोड़कर आप एक सॉन्ग कंप्लीट करते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं टाइम सिग्नेचर। अब टाइम सिग्नेचर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें अभी उतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल थोड़े सिंपल सिंपल चीजों से काम चलाते हैं, स्ट्रमिंग सीखते हैं। पैटर्न नंबर फाइव, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डाउन एक्स डाउन एक्स, वन टू थ्री फोर डी एक्स डी एक्स। ये पैटर्न यूज करके आप काफी सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, और जितना हो सके इस पैटर्न को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये एक तरह से गिटार स्ट्रमिंग का बेंचमार्क है। आप यहां से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रमिंग इंप्रूव करते हैं। पैटर्न नंबर सिक्स, डी डी एक्स एक्स डी डी
X X, down down X X, 1 2 3 4 V V X X. अब आपको लगता होगा कि ये पैटर्न कितना सिंपल है, कितना बेसिक है, क्या ये किसी सॉन्ग में यूज होता होगा? Maybe not. लेकिन इस बात पर गौर कीजिए कि ये जो प्रैक्टिस पैटर्न्स हैं, ये धीरे धीरे आपकी स्ट्रमिंग और आपकी टाइमिंग बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे आप इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, वैसे आपकी स्ट्रमिंग की प्रोफिशिएंसी और भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, भले ही वो बेसिक क्यों ना हो, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पैटर्न नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले स्ट्रमिंग की टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए एक टिप, गूगल पे सर्च कीजिए मेट्रोनोम। आपके सामने मेट्रोनोम ओपन हो जाएगा, उस पर डिफॉल्ट टेम्पो यानी कि स्पीड सेट होगी 100 BPM। BPM मतलब बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि एक मिनट में 100 बीट्स प्ले होंगी। आप इसका स्पीड कम कर सकते हैं, इसको सेट कीजिए 65 BPM पर। और जो भी पैटर्न्स मैंने अभी तक आपको सिखाए हैं और जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, वो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रेगुलरली मेट्रोनोम पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्ट्रमिंग एकदम क्रिस्प हो जाएगी। ऑलराइट, पैटर्न नंबर 7, डी 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 एक्स, डी 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 एक्स, डाउन 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 एक्स, 1 2 3 4। एक और सिंपल पैटर्न, लेकिन ये बिल्ड करता है डाउन सीरीज के सबसे क्रूशियल पैटर्न की तरफ, जो है डी 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 डी, यानी कि ऑल डाउन स्ट्रोक्स। डाउन 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 डाउन, 1 2 3 4। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी सिंगर्स प्रोफेशनली गिटार नहीं प्ले करते, लेकिन उसको एक सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, वो लोग ये पैटर्न बहुत यूज करते हैं, क्योंकि ये पैटर्न ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स को कवर करता है। तो अगर आपको ये पैटर्न आ गया तो आप भी काफी सारे सॉन्ग्स प्ले कर पाएंगे और अपने दोस्तों को भी सुना पाएंगे। एंड वी आर फाइनली डाउन टू आवर लास्ट स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर द डे, व्हिच इज डी 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 डी, ऑल डाउन स्ट्रोक्स। लेकिन इससे पहले हम जो कर रहे थे उसमें टाइम सिग्नेचर था 4/4, मतलब 4 बीट पे 4 स्ट्रम्स। अभी जो हम करने वाले हैं वो है 8/4, मतलब 4 बीट पे 8 स्ट्रम्स। और इसे कुछ इस तरह से प्ले करते हैं, डाउन 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 डाउन, 1 and 2 and 3 and 4 and down 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 down, 1 and 2 and 3 and 4 and. काफी पॉपुलर पैटर्न, और इसे भी जो सिंगर्स प्रोफेशनली गिटार प्ले नहीं करते वो काफी यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट सॉन्ग्स हैं, फास्ट टेम्पो के सॉन्ग्स, वो सारे सॉन्ग्स इसके ऊपर आ जाते हैं। तो काफी माहौल बन जाता है इसके साथ में, काफी सिंपल भी है प्ले करना, सारे डाउन स्ट्रोक्स हैं। तो जितना जल्दी हो सके सारे पैटर्न्स जो मैंने अभी तक बताए हैं वो पैटर्न्स आप प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे बिल्ड करते 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 आप यहाँ पे आ जाइए और ये पैटर्न प्ले कीजिए। इजी है ना? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस के बारे में और उन कॉर्ड प्रोग्रेशंस से प्ले होने वाले सॉन्ग्स के बारे में। तब तक के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको शायद गिटार सीखने की इच्छा हो और हम उनके लिए गिटार स्ट्रमिंग इजी कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।